नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ट्रैवल होने वाला पूरी महबूब नगर एक्सप्रेस। ट्रेन का संख्या है 12861, जो कि यहां से पूरी विशाखापट्टनम से खुलती है और विशाखापट्टनम से होते हुए फिर ये महबूब नगर यानी कि हैदराबाद की ओर जाती है। यहां से 6:40 में खुलती है और महबूब नगर आपको 9:20 में पहुंचाएगी। काचीगुड़ा जो है रेलवे स्टेशन यानी कि हैदराबाद, वो आपको 6:40 में पहुंचाती है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेन का पूरा जर्नी, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये विशाखापट्टनम का एंट्रेंस गेट है 8 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। तो अभी अंदर चल रहे और आपको दिखाते हैं 12861 जो हमारी गाड़ी है महबूब नगर की ओर, जो हैदराबाद के लिए जाती है। विशाखापट्टनम से खुलती है विशाखापट्टनम महबूब नगर एक्सप्रेस, जो कि देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ही खुलती है, चूंकि यहाँ से 6:40 में इसका टाइमिंग है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 6:10 पे। तो अभी हम बैठते हैं ट्रेन में, स्लीपर क्लास में आपको दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं रहती है, जनरल में क्या क्या रहती है। फिलहाल आप चेक करो, ये है एसी बोगी, जो कि ये है आपका कैटरिंग वाला, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये है H1 फर्स्ट एसी जो है वो आपको इस तरीके से मिलता है, अलग अलग कूप में, पूरा कूप में है ये। तो ये वाला बोगी तो बिल्कुल हाईटेक है, बहुत ही हाईटेक है, सेकेंड क्लास है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्लीपर चालू होता है, स्लीपर चालू होता है, स्लीपर में आप देख सकते हैं S6 है, आगे की ओर जाएंगे S6 के बाद S5 S4 S3। तो हमारा S3 में है साइड अपर, तो अभी S3 में चलेंगे। यहाँ पे आपको फूड ट्रैक मिल जाता है, जो कि ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8 जब आप आइएगा तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये S5 है, जनरल बोगी इसका पीछे, आई थिंक पीछे और आगे मिलेगा। लेकिन भीड़ देखो आप, अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि ये ट्रेन यहीं से बन के खुलती है, यहाँ से लास्ट महबूब नगर की ओर जाती है, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यानी कि आपको आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर जाती है ये ट्रेन। तो आंध्र प्रदेश तो आपका हो गया आपका विशाखापट्टनम, और तेलंगाना हो गया साउथ की ओर जो है आपका हैदराबाद। तो ये कुछ इस तरीके से चलती है, अपना सीट इधर ही होगा S3 में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा स्लीपर क्लास में। सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं, ये स्पेस तो बहुत ही अच्छा है, ये आपका वॉशरूम का स्पेस मिल जाता है, पानी की सुविधा यहाँ पे आ रही है, ये आपका मिरर मिल जाता है, मिरर के बाद यहाँ पे 2 वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की स्थिति देखो आप, पूरा पानी पानी जमा हुआ है, बहुत गंदा है। और इधर भी एक वॉशरूम मिल जाता है, ये भी पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है, क्या दिखाएं आपको, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये भी आपका स्लीपर क्लास है। तो हालांकि ट्रेन देखिए कितना साफ सुरक्षित है, मतलब अच्छा है। कैमरा भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी कैमराज भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से आपको मिलता है पूरा ये बोगी देखे तो। लेकिन अच्छा है, मतलब ट्रेन तो अच्छी है, लेकिन बात है कि इसमें वॉशरूम वगैरह बहुत ही गंदा है। तो वॉशरूम को सुरक्षित और स्वच्छ रखना चाहिए, चूँकि गाड़ी यहीं से खुल रही फिर भी इतना गंदा वॉशरूम है, गाड़ी अगर दूसरे जगह से आती तो कैसा रहता। तो ये समझने वाली बात है यार सरकार को यार। फिलहाल हम चलते हैं साइड अपर पे अपना सीट में S3 में। ये आपको सीट मिलता है देखिए 3x3 और इधर 2 का मिलता है। हालांकि मेरा सीट है, एक बार देख लेते हैं सीट फिर आपको हम दिखाते हैं। ये अपना सीट मिला, आप देख सकते हैं इसी तरीके से सोए हैं, साइड अपर है। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे है यही, इसी तरीके से पूरा ट्रेन है, जो कि 6 सीटिंग वाला है। भीड़ उतना नहीं है, फिर भी सारी सीटें फुल है और नीचे RAC लोगों को मिला है, तो एक सीट में 2 लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ट्रेन का, लेकिन अभी कोई स्टेशन पहुंचने वाली है। यहाँ पे स्टेशन का नाम भी ना आपको अजीब सा मिलेगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश होते हुए और फिर ये हैदराबाद की ओर घुसती है, तो इधर नाम जो है ना थोड़ा सा अलग रहता है तेलुगु में।
का बोलू बोलू बिकड़ाओ बोलू, कहाँ पहुंच गए यार, अजीब अजीब सा नाम है यार। दूसरा स्टेशन पहुंचने वाले हैं अगर काचीगुड़ा से जो खुली उसके बाद दूसरा स्टॉपेज जो है यहाँ पे काजीपीट जंक्शन पहुंचने वाले हैं और ये बिल्कुल नज़दीक है, देख सकते हैं एक मिनट में। ये है आपका काजीपेट जंक्शन जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। स्टेशन लगा के उस साइड पर लग रहा है तो उधर रुक के हम आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है ये गाड़ी। तो ये है अपनी ट्रेन जो कि लेट चल रही है बिल्कुल, लेकिन विशाखापट्टनम पहुंचते ये अपना टाइमिंग में ले लेगी। हालांकि फिलहाल अभी लेट है और यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस लगी हुई, देख सकते हैं लोकल मेमू एक्सप्रेस, और ये काजीपेट जंक्शन है जो कि ये भी तेलंगाना में आता है आपका। देखो भैया अब हैदराबाद पहुंचने वाले कुछ ही देर में काचीगुड़ा। तो ये है कुछ आपको जो कि डे में आपको नजर आएगा। अभी हालांकि ये 6-3 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, लगभग 2.5 घंटे लेट है, तो जिसकी वजह से अभी 9 बजे लगभग पहुंचाएगी, 9:10 में। और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखो आप कैसे टर्निंग ले रहा है, पटरी देखिए कितना टर्निंग पॉइंट पर बनाया गया है जो कि पूरा ट्रेन घूम जा रहा है, देख सकते हैं आप पूरी तरीके से घुमा हुआ ट्रेन है और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक इसी तरीके से पूरा रूट बहुत धीरे चल रही है, जिसके कारण से क्योंकि ऐसे घुमा हुआ में ज़्यादा स्पीड चल नहीं सकती है, रिक्स वाला है ये पटरी पूरी तरीके से अब जाके सीधा हुआ है।
दफा मंडी। कुछ ही देर में हम काशीगुड़ा पहुंचने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा हैदराबाद का। देख सकते हो बिल्कुल हरा भरा, बहुत सारी चीज़ें। अभी आर्ट्स कॉलेज पहुंचे हुए, इसके बाद जो है एक तो हॉल्ट और रहेगा, उसके बाद जो है काशीगुड़ा, और ये मोहम्मद नगर तक जाती है ये गाड़ी पूरा, महबूब नगर सॉरी, जो कि लास्ट स्टॉपेज इसका वहीं पर होता है। और पूरी से जब आप आएँगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से ये गाड़ी चलती है जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि 2-3 घंटा लेट रहती है, लेकिन ट्रेन अच्छी है। साफ़ सफाई की बात करें, वाशरूम की थोड़ी सी दिक्कत है साफ़ सफाई में, बाकी सारी चीज़ें हैं। बैठने सोने का ठीक है, चार्जिंग पॉइंट का सॉकेट देना चाहिए ऊपर क्लास में, जो कि अपर क्लास में आपको नहीं मिलेगा, मतलब लोअर वाले को ही अपर में एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपको चार्जिंग पॉइंट होता है वो। और स्पीड देखो आप कितना ज़्यादा है, अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर ही बचा हुआ, लेकिन स्पीड देखिए कितना ज़्यादा, फिर भी पूरा एक्सप्रेस की तरह चल रही है। ऐसे ऐसे हॉल्ट आ रहे हैं, बट स्पीड देखिए कितना ज़्यादा है। पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं यही है आपका प्लेटफॉर्म जिस पे अभी लग रही है, और ये झारसुगुड़ा का रेलवे स्टेशन। वाओ, हैदराबाद पहुंच चुके हैं भैया काफ़ी लेट के बाद। बाहर निकलते हैं आपको दिखाते हैं, ये रहा प्लेटफॉर्म, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी आगे ले जा रही है। दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो काशीगुड़ा पहुंच चुकी है। काशीगुड़ा में इसका टाइमिंग था 6:40 में, लेकिन ये पहुंची है 9:10 पे, तो 3 घंटा लेट चली है लगभग, 2.5 से 3 घंटा, जो कि बीच में ये लेट हुई। बाकी ये ट्रेन काफ़ी अच्छा है, विशाखापट्टनम से अगर आप हैदराबाद का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसी ट्रेन में आना चाहिए, जो कि पीछे के लोकेशन में आप देख सकते हैं, तो इसी ट्रेन में आना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है कि टाइमली थोड़ा सा लेट रहता है, बाकी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है पूरा वीडियो, जो कि हम यहाँ से पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी चीज़ें की बात करें तो इसमें थोड़ी सी ना
जो वाशरूम की सुविधा है वो थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि वो गंदा रहता है। जब वो खुलती है तो वहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए था विशाखापट्टनम में, लेकिन वहाँ पे भी साफ सफाई नहीं था ना ही बीच में हुआ, तो उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। बाकी स्लीपर क्लास का अगर आप लेते साइड अपर में, तो आपको वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट सॉकेट नहीं मिलता, नीचे वाला जो साइड लोअर है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी जो दो तीनों सीट होते हैं साइड साइड में, उसमें से एक ही जो है वो आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है। तो तीसरी बात करें तो इसमें वाटर होल्डर दिया गया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको सुविधा मिल जाएगा कैमरा का, क्योंकि वॉशरूम के पास भी कैमरे हैं और ट्रेन में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये अच्छी है कि कोई घटना या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। और इसमें बात करें अच्छी चीज़ की, तो साफ सफाई लगभग ठीक है ट्रेन के अंदर का, बाकी चीज़ें जो है वो वॉशरूम वगैरह थोड़ा साफ सुथराई होना चाहिए। इस वीडियो में मिलेंगे जल्द ही कोई और टूर पे, यहाँ से बाहर निकलते हैं। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन आपको बता दें, जो कि हैदराबाद सिटी से लगभग 15 से 7-8 किलोमीटर लगभग होगा। यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से ये जो है चलती है आगे की ओर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है मोहम्मद नगर की ओर जाती है, तो लास्ट स्टॉपेज इसका वहीं पे होता है, देन वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। तो ये विशाखापट्टनम और मोहम्मद नगर के बीच में चलती है, जिसमें से बीच में आपको काचीगुड़ा पड़ेगा और बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, चूँकि ये तमिल आंध्र प्रदेश से चालू होकर और ये तेलंगाना की ओर घुसती है ट्रेन, तो ये दोनों के लिए जो है टाइमिंग वो काफ़ी अच्छा है, चूँकि वहाँ पे जो उसका टाइमिंग होता है 9:40 में और वहाँ खुलने का जो टाइमिंग होता है वो 6:40 में। तो एक दिन का सफ़र है 12-15 घंटे का, तो इस तरीके से आप सफ़र कर सकते हैं। फिलहाल हम काचीगुड़ा से बाहर निकल रहे हैं, चूँकि यहाँ से बाहर निकलना है और फिर देखते हैं कहाँ पर चलते हैं। तो ये पूरा जर्नी था, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी ट्रेन जो कि नीचे की ओर है, अभी काफ़ी लोग आए यहाँ से जिस ट्रेन में, चूँकि अधिकतर लोग जो है वो आपको हैदराबाद का ही मिल जाएंगे और हैदराबाद से फिर वो ना आगे की ओर ट्रैवल करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है काचीगुड़ा का बाहर का लोकेशन। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रेलवे स्टेशन को इनोग्रेट किया गया, बनाया गया है। तो यही था हमारा पूरा टूर विशाखापट्टनम से हैदराबाद के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कहीं और टूर पे, तब तक के लिए देखते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यही है काचीगुड़ा, जिसका स्टेशन कोड है KCG। जब भी आप सर्च करेंगे, जहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग गाड़ी आती है और यह हैदराबाद का एक अच्छा जो है रेलवे स्टेशन और हिस्सा है। जैसे आप दिल्ली में जाते हैं ना, आनंद विहार हो गया आपका, और उसी तरीके से यहाँ पे आप मान लीजिए जो मेन पोर्शन है उसे माना जाता है इस रेलवे स्टेशन को।